अब बात करते हैं एक ऐसे फैसले की जिसका जिक्र आज पूरे देश में हो रहा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम वाला विवाद भी है, राजनीति भी है और जुबानी दंगल भी है। ये फैसला असम में लिया गया है। आज शुक्रवार है। आज के ही दिन असम विधानसभा में शुक्रवार को लेकर दशकों पुराना फैसला पलट दिया गया। असम विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया गया है। पहले जुमे की नमाज पढ़ने के लिए विधानसभा के मुस्लिम विधायकों और कर्मचारियों सभी को 2 घंटे की छुट्टी मिलती थी। अब असम के विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत देमारी ने इस छुट्टी वाले नियम को रद्द कर दिया है। मतलब ये कि अब किसी भी शुक्रवार को किसी भी मुस्लिम विधायक या कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने पुराने नियम को रद्द करने को लेकर ये तर्क दिया है कि अब विधानसभा में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। शुक्रवार के दिन भी आम दिनों की तरह विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने भी इस फैसले के लिए विधानसभा अध्यक्ष का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस फैसले के जरिए औपनिवेशिक बोझ के एक और निशान को हटा दिया गया है। आप सिर्फ 120 सेकंड में देखिए कैसे असम में हुए इस फैसले पर सियासी दंगल हो रहा है। हमारे जो असेंबली है उसका जो रूल कमिटी है उसमें अल्पसंख्यक मेंबर्स भी है, सबने ये डिसाइड किया है, सबने ये निर्णय लिया है। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये विधानसभा का निर्णय है। हमारे असम के सीएम साहब के इशारे में सब चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री आजकल क्या कर रहे हैं, मुसलमान की लड़कियां क्या पहनेगी उस पर उनकी नजर है, मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेंगे, निकाह कैसे होगा मुसलमान का उस पर उनकी नजर है, मुसलमान के घर में क्या खाना पकेगा वो भी वो तय करने लगे। इफ समबडी इज टेकिंग ए ब्रेक फॉर ए जुम्मा नमाज देन ऑब्वियसली वी हिंदूज कैन ऑल्सो गेट ए ब्रेक फॉर आवर टेम्पल्स। ओनली फॉर ए स्पेसिफिक रीजन फॉर ए स्पेसिफिक कम्युनिटीज ब्रेक हैज बीन गिवन सिंस सो लॉन्ग बिफोर इंडिपेंडेंस। आई थिंक इट्स अ हिस्टोरिक डिसीजन एज ऑल रिलीजन्स आर सेम। जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये हैं कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोग, उन्होंने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया। ये हेमंत बिस्वा साहब जब भी बोलते हैं तो विश्व उगलते हैं। उनको उनकी सारी सियासत अगेंस्ट मुस्लिम्स है। हर वो काम करते हैं जिससे मुसलमानों की दिलाजारी हो। जब 1937 से ये काम हो रहा था तो तुम्हें क्या परेशानी थी? इससे घटिया क्या राजनीति हो सकती है कि नमाज जैसी इबादत के लिए जो 1937 से वक्त मिलता आया था 2 घंटे के लिए, आज उसको बंद करने की बात कर रहे हैं। नमाज पूजा ये तो ऐसी चीज़ है, इसके लिए तो और टाइम देना चाहिए, ना कि उस टाइम में कटौती करें आप। असम में जिस नमाज वाले फैसले पर राजनीतिक फाइट शुरू हुई है उस पर हम आपको फिक्र की फाइल दिखाते हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज पर ब्रेक की ये प्रथा वर्ष 1937 से चल रही थी। मुस्लिम लीग के सैयद मोहम्मद सादुल्ला ने इस नियम की शुरुआत की थी और इसका दावा सीएम हेमंता ने अपनी पोस्ट में भी किया है। तब शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था और नमाज के लिए ये छुट्टी दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होती थी। ये नियम 87 वर्षों से चला आ रहा था और असम विधानसभा में काम करने वाले हर मुस्लिम कर्मचारी को भी इसका लाभ मिलता था। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के एक फैसले से अब यह नियम असम में अतीत बन गया है। वैसे पिछले कुछ दिनों से असम में जो कुछ हो रहा है, हेमंत सरकार जिस तरह से बड़े फैसले ले रही है, उससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का एजेंडा क्या है, उनका टारगेट किस पर है। एक दिन पहले ही असम विधानसभा में मुस्लिम विवाह और तलाक पर विधेयक पारित किया गया है, जिसके अनुसार मुस्लिम शादियों और तलाक का सरकारी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और अब काजी निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत ने यह भी संकेत दिया है कि वो जल्द बहुविवाह पर रोक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही असम में बदलती डेमोग्राफी पर उन्होंने मियां भूमि का नाम लेकर श्वेत पत्र लाने का भी ऐलान किया है। साथ ही हेमंत कई बार राज्य में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं, जबकि इससे पहले लव जिहाद और हिंदू मुस्लिम के बीच लैंड ट्रांसफर को लेकर भी असम सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। ये सारे वो फैसले हैं जिनमें बहुत चिंगारियां हैं,
और सियासी क्लेश तो है ही,